have missed this for 7.5 months now. This is Gaurav with me, and we are having a morning trip to my farmhouse. और हम लोग ये अभी हम मैंने मिसल खाया मिसल पाव और उसके बाद में अभी हम ये खाया उसके बाद में हम क्या कांदा भजिया अभी खाएंगे हम लोग कांदा भजिया. आज हमारा आउट क्या बोलते हैं आउटसाइड फूड का एक दिन है. जंक फूड का दिन. ये देखो कितने प्यारे प्यारे इनको रास्ते में घूमते इनको उठा के कोने में ले गए. गौरव को हमने देखा है सब. तो गौरव इज पुटिंग द पपीज बिकॉज ये बीच सड़क में थे कोई भी इनको कुचल देता. सो हम लोगों ने सोचा कि इसको उठा के दैट्स हरी दैट्स मन्ना. आई एम गोना बी एंटरिंग माय स्टूडियो इन द फार्म हाउस और मैं देखना चाहता हूँ अभी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर ही कर सकता हूँ. ये मेरा 8 महीने के बाद में यहाँ पर आया हूँ. इसको जस्ट ओके हाँ अच्छा ये है स्पीकर का. अच्छा ओके दिस इज सिंगिंग रूम ना. आज मैं कर्जत आया हूँ और ये हमारा एक लैंड है जहाँ पे इस समय पूरी हरियाली छाई हुई है बारिशों की घास और पेड़ पौधे. अच्छी दुनिया ये शांत दुनिया. मुंबई से पास है लेकिन मुंबई से दूर भी है बहुत एक तरीके से. आपको याद है मैंने दुबई में कहा था कि मैंने एक गाना गाया है गा रहा हूँ मैं गा नहीं पा रहा 3-4 बार गा चुका हूँ. यूके से कंपोज़र है सहज उसका गाना. मैंने सोचा था कि मैं उसको उस दिन रिकॉर्ड कर लूँगा पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं. बहुत ही अच्छा गाना है बहुत ही सच्चा गाना है बहुत ही और कुणाल वर्मा ने उसे लिखा है इस गाने को. ये गाना अब फाइनली हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे ऑन द म्यूज़िक लेबल आई बिलीव म्यूज़िक और 5 तारीख को उसका टीज़र आएगा 5 अक्टूबर 2020 को. अच्छी चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ हालांकि लॉकडाउन का टाइम है पूरी दुनिया थोड़ी थमी हुई है. जिस स्पीड में मैं काम करना चाहता हूँ आई बिलीव म्यूज़िक के लिए उतना मैं कर नहीं पा रहा. बट आई थिंक एज आई ऑलवेज से गो विद द फ्लो वन शुड नॉट ट्राई टू ओवरडू एनीथिंग. जो चीज़ सहजता से हो जाए वो ही करनी चाहिए और सहजता से ही हो रही बिकॉज कंपोज़र का नाम ही सहज है. वाह कमाल अपने अभी बात निकल आई. सो देयर यू गो. अरे मुझे क्या मिले देखो घास काटने के लिए. राइट जो तूने लिखा है इज़ द सॉन्ग दैट्स रिलीजिंग सून ऑन द 5th of October इज़ द टीज़र लॉन्च.